वेलकम टू गाइस आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं गोवा। जी हाँ, अगर गोवा आप गए हैं और दूधसागर नहीं गए तो आपका गोवा का ट्रिप बेकार जाएगा। अगर गोवा जाते हैं तो दूधसागर ज़रूर जाइए। दूधसागर एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जाके बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आनंद मिलता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि कैसे आप दूधसागर जा सकते हैं और कैसे अपनी ट्रिप को बढ़िया बना सकते हैं। इसके दो वे हैं। हमने सबसे पहले स्कूटी ली है, बाई रोड जा रहे हैं हम गोवा से दूधसागर, और वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे कौंड। कौंड पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे दो तरीके होते हैं जाने के। सबसे पहला तरीका होता है बाई जीप, जो जीप आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पैसेंजर के हिसाब से जीप मिलती है आपको। अगर आप दो हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा, अगर तीन हैं तो और कम होता जाएगा। इनकी जीप के चार्जेस होते हैं जो आप यहाँ से बुकिंग करा सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई है ये सभी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप दूधसागर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो जल्दी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे लाइनें बहुत लंबी होती जाती है और हो सकता है आपको खाली बिना जीप ना मिले और आपको वापस लौट के ही जाना पड़े। तो टाइम से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ पे कतार लगे खड़े हुए हैं, उनका शायद नंबर आएगा नहीं आएगा। गाड़ियाँ बहुत हैं, जीप बहुत हैं, लेकिन जाने के लिए जीप फिर भी लोग बहुत ज़्यादा हैं उस हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया है कि इसके दो वे हैं, दूसरा वे कौन सा है वो मैं आपको ब्लॉग में बीच में बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल हमें हमारी जीप मिल गई है तो हम निकलते हैं। गाइस, तो हम पहुंच गए हैं फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट पहुंचने के बाद आपको यहां से टिकट लेनी पड़ेगी। फॉरेस्ट के लिए अंदर एंट्री जब ही मिल पाएगी आपको जब आप टिकट लेंगे। लेकिन हां, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास कैमरा है और खासकर वीआरएल कैमरा है आपके पास, तो आपको एसएलआर कैमरे के लिए भी टिकट लेनी पड़ेगी। उसकी टिकट आपको लेने के बाद ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर दूधसागर। देखिए, यहाँ से हम व्यू देख सकते हैं दूधसागर का, हल्का हल्का व्यू नज़र आ रहा है। तो यहाँ से एंट्री करते हैं हम दूधसागर के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका पैदल का ट्रैक रहेगा, वॉकिंग ट्रैक है, क्योंकि अब गाड़ी यहाँ आगे जा ही जा सकती है। पत्थरीले रास्ते हैं और थोड़ा सा कठिनाइयाँ भी मिलेगी आपको। ट्रैक करने पर भी मज़ा आएगा क्योंकि अब ट्रैकिंग शुरू हुई है आपकी। यहाँ से कुछ आधे घंटे के लगभग 20-25 मिनट लगते हैं आपको। तो यहाँ से आप ट्रैक करते हैं और चलते हैं दूधसागर की तरफ। देखते हैं वहाँ कैसे रास्ते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे पथरीले और नदियों में से होते हुए आपको बीच में से निकलना पड़ता है। अब ये टाइम जो वीडियो है लगभग कुछ पुराना है, तो अब वहाँ पे आपके टाइम में आप जाएंगे तो आपको थोड़े ब्रिज बने हुए भी मिल जाएंगे। आजकल ब्रिज बना दिए गए हैं यहाँ पर, जो निकलने में थोड़ी परेशानी होती थी। तो बच्चों को थोड़ा ध्यान से लाइएगा, बच्चे भी इंजॉय करते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बच्चों को आपको केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से पथरी रास्तों से होते हुए निकलते हुए अब हम पहुँचने वाले हैं बस बिल्कुल बेस पर, दूधसागर बेस पर। तो गाइस लीजिए, आ गए हम ये दूधसागर। तो आपको लेके चलता हूँ अब मैं दूसरे वे की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि अगर जीप से आप जाते हैं तो आपको लगभग 1500 रुपये सिंगल पर्सन के हिसाब से देने पड़ेंगे, जो यहाँ से बुकिंग होती है। हमने पता किया कि यहाँ से अगर सिंगल बंदे के लिए, अगर वो अकेला बंदा आया तो उसे 1500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, 1500 रुपये तक की टिकट लगती है। लेकिन दूसरा वे है रेलवे ट्रैक के थ्रू। जी हाँ, इधर आप जा सकते हैं रेलवे ट्रैक के थ्रू, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की टिकट नहीं लगेगी। ना आपको फॉरेस्ट का टिकट लेनी पड़ेगी और ना ही आपको जीप की चार्जेस लगेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता है और इस रास्ते पे कोई भी जल्दी से आप लोगों को नहीं मिलता है, और बहुत बोरिंग सा रास्ता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ जंगली जानवर भी मिल जाए।
वो मैंने आपको जैसे कहा कि हाँ जंगली जानवर भी मिल सकते हैं और यहाँ पे आपको बंदर वंदर ये खाने की चीज़ें भी आपके लिए सकते हैं। तो देखिए हम फाइनली ये ट्रैक करने के बाद आप ऐसे तीन आपके टनल आएंगी और ये तीसरी टनल है, जो तीसरी टनल पार करने के बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे जी दूध सागर। लेकिन जो यहाँ का व्यू होता है, जो यहाँ आपको आने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ के जो व्यू मिलता है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू होता है, वो व्यू आपको वहाँ नहीं मिल सकता। देखिए जीप से जब आते हैं तो जीप से आपको वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम देते हैं, जिस टाइम के अंदर आपको वापस लौटना होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जो ये नीचे का एरिया देख रहे हैं, यहाँ लोग आते हैं जो जीप से आते हैं, जीप के थ्रू आते हैं। ये वे है जहाँ से आप देख रहे हैं, ये जंगलों से होते हुए, फॉरेस्ट से होते हुए यहाँ पर आते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है नीचे रिवर, एक झरना फॉल, इस फॉल में आके वो इंजॉय करते हैं और यहाँ से ही उन्हें वापस जाना होता है। जो तो गाइस आपको ये ट्रिप अच्छा लगा हो मेरे साथ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे और लाते रहें और एंजॉय करते रहें। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए दूध सागर को।